हेलो गाइस, दिस इज शुभम हेयर एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। गाइस देखिए, ये जो है एक बुक की वेबसाइट है, बुक स्टोर की, ठीक है। तो यह आपको गाइस मैं बताऊंगा किस तरीके से आप बुक स्टोर की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, काफी इजी है, ठीक है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे होम है और यहाँ पे बुक्स है। एंड गाइस बुक्स पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए गाइस, ये यहाँ पे फीचर बुक है, ठीक है, जो मेन बुक है उसके अलावा यहाँ पे काफी सारी बुक्स अवेलेबल है, ठीक है। एंड इनमें से आप जो कुछ भी खरीद सकते हो। और गाइस मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ऐड करना है, किस तरीके से जो आपको पेमेंट मिलेगा, सब कुछ। सो विदाउट नो फर्दर, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस देखिए, आपको सबसे पहले वेबसाइट क्रिएट करने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग। और गाइस दोनों जो है आपको डोमेन रेसर से जो है आप परचेज कर सकते हैं। और गाइस देखिए, डोमेन अगर आपको परचेज करना है तो आपको यहाँ पर डोमेन पे आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपने डोमेन का नाम लिखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो अवेलेबल है या नहीं है, तो सर्च कर लीजिए। और गाइस जो भी अवेलेबल होगा तो उसकी जो है प्राइस आ जाएगी यहाँ पे कि इस डॉट का जो अवेलेबल है, डोमेन नेम जो है अवेलेबल है, जैसे sjwordpress.com, sjwordpress.com, तो इससे रिलेटेड आपको सजेस्टेड कीवर्ड भी जो है वो बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज ये काफ़ी सारी होस्टिंग जो है अवेलेबल है। एंड गाइज ये जो है आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। उसके बाद में गाइज आपको जरूरत पड़ेगी वेब होस्टिंग की, डोमेन नेम के बाद में। तो गाइज वेब होस्टिंग में यहाँ पे सिर्फ 59 रुपीज़ पर मंथ से होस्टिंग प्लान जो गाइज चालू होता है, तो काफ़ी ज़्यादा चीपर प्राइस पर जो है मिलते हैं। और गाइज यहाँ पे जो है आपको लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी मिल जाती है, आपको SSD डिस्क देखने को मिल जाती है। आप कोई भी वेब होस्टिंग लीजिए, कोई सा प्लान लीजिए, फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, सिक्योर एंड 20x फास्टर आपको आप स्पीड मिल जाती है। और गाइस यहाँ पे आपको सी पैनल मिलेगा, और गाइस सी पैनल मिलेगा उसके थ्रू जो आप इजिली जो है वर्डप्रेस जो इंस्टॉल कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, प्लान से इस हिसाब से आप अपने मर्जी से प्लान ले सकते हो। गाइस सबसे पहले प्लान है बेसिक। तो गाइस नॉर्मल स्टार्ट कर रहे हो वेबसाइट, तो गाइस बेसिक प्लान ले लीजिए आप। अगर आपकी बेसिक सी वेबसाइट, तो यहाँ पे आप बेसिक ब्लॉग, पर्सनल और बिजनेस वेबसाइट, यानी कि यहाँ पे आपको एक वेबसाइट है जिसमें काफी कम ट्रैफिक रहता है, तो गाइस आप इसके लिए बेसिक प्लान पे जा सकते हैं। लेकिन गाइस अगर आपकी वेबसाइट पर थोड़ा बहुत ट्रैफिक आता है डेली, तो गाइस फिर आपको जो है पर्सनल पे जाना है। गाइस इसके बाद में गाइस जो सबसे ज्यादा लोग जो चूज करते हैं वो सिल्वर चूज करते हैं। तो गाइस इसकी प्राइस जो है सिर्फ 169 रुपीज पर मंथ है। गाइस यहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल्स लिखी हुई है, जहाँ जैसे आपको होस्टरी वेबसाइट, अनलिमिटेड SSD स्टोरेज, अनलिमिटेड ईमेल IDs, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, लाइट स्पीड टेक्नोलॉजी, प्रीमियम मैसेज टूल, गिफ्ट 1 to 3 अर्थ। और उसके बाद में गाइस एडवांस, ये जो हैवी ट्रैफिक वेबसाइट है, तो गाइस ये उन लोगों के लिए है जिनके वेबसाइट पर काफी ज्यादा ट्रैफिक आता है। तो जो भी आपको सही लगता है आप अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक के हिसाब से जो है ले सकते हैं, ठीक है। अगर काफी ज्यादा ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो आप ये लीजिए एडवांस। और गाइस अगर आपके वेबसाइट पे डिसेंट सा ट्रैफिक आ रहा है, बहुत कम एवरेज सा ट्रैफिक आ रहा है, तो गाइस आप पर्सनल के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसके अलावा फिर जब गाइस आप ले लोगे इस वेबसाइट को, फिर गाइस आपके पास सी पैनल आएगा, ठीक है। फिर सी पैनल से जो है गाइस आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाएंगे। तो गाइस अब चलते हैं हम सी पैनल पे। तो ये गाइस है हमारा सी पैनल। तो जैसे ही आप वेबसाइट होस्टिंग और डोमेन नेम खरीद लोगे, तो गाइस आपको यहाँ पे सी पैनल मिल जाएगा। और यहाँ पे गाइस आपको इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे ईमेल अगर आपको ऐड करना है, ईमेल लिस्ट, या आपको नया ईमेल ऐड करना है, जितने भी आपको ईमेल मिलते हैं अपनी होस्टिंग के हिसाब से, उतने ईमेल आप जो आप ऐड कर सकते हैं। ट्रैक डिलीवरी, स्पैम फिल्टर, सेटर्स, तो गाइस पूरे ईमेल्स को जो है फिल्टर कर देता है। आपको ईमेल अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हो, इंक्रिप्शन कर सकते हो ईमेल्स को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको मिलती है। उसके बाद में गाइस फाइल अगर आपको वेबसाइट अपलोड करनी है, सीधे अपने वेबसाइट का बैकअप वगैरह लेना है, ठीक है, तो गाइस आप यहाँ से ले सकते हो। उसके बाद में गाइस डेटाबेस, अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है, डेटाबेस एडिट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर ये गाइस डोमेन से, तो यहाँ पे गाइस अगर आपको साइट जो है रिडायरेक्ट करनी है किसी अदर डोमेन पे, उसके अलावा गाइस अगर आपको एड ऑन डोमेन करने हैं, सब डोमेन से ऐड करने हैं, तो गाइस आप यहाँ से कर सकते हो। फिर ये गाइस ये मैट्रिक्स जो कि आपकी वेबसाइट के स्टडी टैलिंग्स आपको जो शो करेगा। इसके बाद में गाइस ये सिक्योरिटी टूल्स है, तो काफ़ी सारी अवेलेबल। फिर गाइस ये सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर यही है गाइस कि आप अगर CMS जैसे वर्डप्रेस वगैरह कोई भी चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर अपनी होस्टिंग पे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद में गाइस यहाँ पे एडवांस टूल है, फिर ये गाइस प्रेफरेंस टूल्स है। इसके बाद में गाइस ये साइट पर वेबसाइट बिल्डर थीम्स है, तो गाइस अगर आप वर्डप्रेस के थ्रू इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यहाँ से भी जो है इंस्टॉल कर सकते हो। पहले आपको अपने होस्टिंग के सी पैनल में आना है। मैं डोमेन रेसर होस्टिंग के सी पैनल पे हूँ। यहाँ पे सीधा आपको वर्डप्रेस पे क्लिक करके वर्डप्रेस को इंस्टॉल नाउ करना है। फिर उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपना साइट नेम, डिस्क्रिप्शन, यूजर नेम, पासवर्ड, और यहाँ पे सीधा आपको अपने डेटाबेस का नाम डालना है। उसके बाद में आपको सीधा इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और गाइस देखिए, यहाँ से सीधा जो ये इंस्टॉल हो जाएगा, तो अभी जो इंस्टॉल हो रहा है। उसके बाद में गाइस देखिए, यहाँ पे आपके पास ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक है WP जो कि आपका एडमिन सेक्शन का है, यहाँ से जो है आप प्लगइन और थीम्स जो है इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइस ये है यूजर के लिए, यहाँ से जो भी होगा वो यूजर्स को दिख जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपको देखना है। आपको फ्रेंड सबसे पहले एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जो कि आपको वर्डप्रेस की साइट पे मिल जाएगा, उसका नाम है एस्ट्रा साइट, ठीक है। तो ऐड न्यू पे आता हूँ मैं और यहाँ पे सीधा अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्लगइन है गाइस, ये वो जो प्लगइन है आपको वर्डप्रेस की साइट पे मिल जाएगा, इसका नाम याद रख लीजिए एस्ट्रा साइट, ठीक है। तो मैं इसको ओपन करके सीधा यहाँ से इंस्टॉल कर देता हूँ।
गाइस ये जो है इंस्टॉल हो जाएगा, एंड इसके बाद में हमारे पास जो है दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे, बिहेवियर का तीन ऑप्शन आएंगे, बिहेवियर का, एलिमेंटर का और वर्डप्रेस ब्लॉक का, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट कर दीजिए इसके बाद में आप यहाँ पे, एंड एक्टिवेट करने के बाद में सीधा आपको, तो गाइस ये एक्टिवेट है और यहाँ पे आप सीधा सी लाइब्रेरीज पे आ जाइए। लाइब्रेरीज पे आके आपको यहाँ पे आना है, बिल्ड योर वेबसाइट नाउ। अब गाइस यहाँ पे तीन ऑप्शन अवेलेबल है, ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर। तो इसमें से किसी से भी अगर आपको साइट बनानी है तो उससे आप बना सकते हैं। ब्लॉक एडिटर का हम इतना यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये जो है इतना यूज यूजुअली सिर्फ नॉर्मली ब्लॉक्स का एडिट करने के लिए होता है, बट ज़्यादा हम एलिमेंटर और बिहेवियर बिल्डर का ही जो है यूज करने वाले हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे एलिमेंटर पे आना है। अब यहाँ से आपको बुक स्टोर जो दिख रहा है इसको आपको ढूंढ लेना है, आपको मिल जाएगा अगर आप, या फिर आप डायरेक्ट इसका नाम लिख दीजिए वहाँ पे सर्च में जाके, मिल जाएगा। यहाँ पे फिर आप लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई लोगो लगा हुआ है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, इसको उठा के मैं यहाँ पे कोई भी लोगो लगा देता हूँ, ठीक है। एनीवे लाइक दिस और दैट वन और दैट वन, एनीवे भी बकवास ही है। चलो जो है उसके साथ ही वी विल गो एनीवे एंड गो टू, आई थिंक जस्ट ए मिनट, आई विल पुट समथिंग देयर, बट चलो ठीक है जो भी है उसके साथ हम जाते हैं। एंड यहाँ पे कैसे फिर आपको थीम सेलेक्ट कर लेनी है, लाइक दिस वन लुक गुड आई थिंक, ठीक है। या इसकी ड्रेसेस भी मैच कर रही है आई थिंक, सो वी विल गो विद दिस वन ओनली। कंटिन्यू एंड गाइस सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट। सो हम जो है आप थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइस ये हो चुका है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें होने में, ठीक है। ध्यान रखिए, तो प्लीज़ पेशेंट रहिए क्योंकि बहुत टाइम लगा मेरे को भी। एनीवे गाइस, तो ये है माई वेबसाइट एंड ये देखिए गाइस हमारा लोगो है वेबसाइट का, आप इसको चेंज कर लेना, मैं आपको बता रहा हूँ जो भी आपका है। एंड या एग्जैक्टली हम तो स्टार्ट करते हैं, जैसे बुक स्टोर हमने यहाँ पे आपको क्रिएट कैसे करना है, जैसे हमने कर लिया है, ठीक है। एनीवे एंड यहाँ से गए हमारे पास ऑप्शन है काफ़ी सारे, तो उन ऑप्शन को जो है सबको एक्सप्लोर करना है। एनीवे तो ये देखिए गाइस यहाँ पे सब कुछ हमारे पास ऑप्शन है। या एनीवे तो जैसे हम जाते हैं होम पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होम अवेलेबल है गाइस, हमारा जो मेन सेक्शन है वो है बुक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम बुक्स पे आएंगे, तो जैसे मान लो यहाँ पे एक बुक लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सन्स ऑफ एम्पायर, तो एक बुक के यहाँ पे एड है और यहाँ पे कुछ बुक्स एड्स उनकी जो है प्राइस लिख रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अब बुक जो है ऐड कर सकते हैं। लाइक मानो मुझे जो ये बुक खरीदनी है, एंड यहाँ से गाइस मैं इसको यहाँ पे ऐड टू कार्ट करता हूँ, एंड ऐड टू कार्ट कर देते हैं, ठीक है। एंड देन आपको आना पड़ेगा व्यू कार्ट पे, एंड व्यू कार्ट पे आके सीधे यहाँ पे अगर आपके पास कूपन कोड है तो गाइस आप कूपन कोड भी रख सकते हैं एंड अपने यूजर्स के लिए, ठीक है। तो ये अगर कोई कूपन कोड अप्लाई करेगा तो वो जो है यहाँ से वो हो जाएगा, आई मीन यू नो दैट। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना डिटेल विटेल डाल देनी है, फिर प्लेस ऑर्डर कर देना है गाइस, यू विल गेट इट, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से ये जो है बनाए, बट ये गाइस कैसे बनाए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बिकॉज काफ़ी चीज़ें जो है होने वाली है, तो हम जाते हैं हमारे ओरिजिनल पे, यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा अभी, हमको थोड़े टाइम के लिए हमको जो है एलिमेंटर पे जाना पड़ेगा, ठीक है वापस। और मैं आपको बताऊंगा हमको हमारा यहाँ पे जाना पड़ेगा, ठीक है, एडमिन पैनल पे। एंड गाइस सॉरी, तो मुझे यहाँ पे एक बार पासवर्ड जो है फिर से डालना पड़ेगा, काफी लफड़ा होता है इसमें सेव करने में। एनीवे गाइस लेट मी गो अगेन टू WP एडमिन एंड ओके जस्ट अ मिनट, लेट मी पॉज। ओके गाइस तो पासवर्ड डाल के वापस मैं यहाँ पे W पैनल पे आ चुका हूँ मेरे वर्डप्रेस का। तो गाइस यहाँ पे देखिए ये वू कॉमर्स है ना, ये बहुत हमारे काम की चीज है। एंड गाइस ये जो वू कॉमर्स है इसमें हमारा जो है ये कितनी बुक्स हमको मिल रही है, कौन जो है ऑर्डर कर रहा है, ये सब कुछ जो है यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना जो क्या है स्टोर जो है गाइस यहाँ पे जो है आपको सेटअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से गाइस आपको जो है अपनी डिटेल्स विटेल्स सब कुछ डालना पड़ेगा, उसके बाद में जो गाइस आप वूकॉमर्स जो है सेटअप कर पाएंगे, ठीक है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, क्योंकि मैं गाइस यहाँ पे इसको नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरी डिटेल्स जो है आपको डालनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। तो ये आपको जो है सेटअप करना पड़ेगा। तो गाइस इसमें भी लिखा हुआ है ऑथर रिच कंटेंट ब्लॉग्स, ये सब कुछ है, ठीक है। बट गाइस इसके बाद में आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं एनालिसिस जो भी है ये, तो गाइस ये पूरा ये वो कॉमर्स का है, ठीक है, कि आपका क्या क्या है, आप इसको जो एनालिस कर सकते हो कि कितना आपका जो ऑर्डर वगैरह जो है बिक रहा है टाइम टू टाइम। तो ये है प्रोडक्ट, ठीक है। तो गाइस यहाँ से जो है आपको प्रोडक्ट ऐड करना, जैसे बुक जो वगैरह ऐड हुई हुई है, तो गाइस देखिए यही से ऐड हुई है, ठीक है। तो जैसे आपको कुछ ऐड करना है, ठीक है, जैसे मान लो आपको कुछ एडिट करना है, जैसे बुक का नाम जो है कुछ और आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन है, तो आप यहाँ सीधा एडिट कर दो, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है लिख दो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे रेगुलर प्लेसेस वगैरह जो भी है, प्राइस वगैरह आप जो है सब कुछ जो है डाल दो, ठीक है। एनीवे फिर यहाँ पे इन्वेंट्री कि कितना स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल है, फिर यहाँ पे शिपिंग वगैरह की, शिपिंग का वेट कितना है, उस हिसाब से जो आप चार्जेस देना पड़ेगा। फिर आपकी ये प्रोडक्ट की जो है लिंक आप डाल दोगे कहीं और पे, एट्रीब्यूट्स एडवांस एंड गेट मोर ऑप्शन, तो ये सब कुछ जो है गाइस आपको यहाँ पे जो है डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
एंड देन गाइस इसके बाद में कैटेगरीज का ऑप्शन आप लोग जो कैटेगराइज कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और प्रोडक्ट्स वापस आते हैं और बता दो किस तरीके से आपको नया ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड न्यू करो, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का नाम लिखना है, तो बुक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डाल दो। एंड देन गाइस यहाँ पे आपको जो है रेगुलर प्राइस वगैरह डालनी है, यहाँ पे आप जो है इसके पिक डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक फीचर डाल रखा है कि एक आपको जो है ये साइड अच्छी लगे, तो इसलिए मैंने एक फीचर में एक चीज़ डाल रखी है। एनी वे एंड ये गाइस जैसे ऑथर का नाम वगैरह हो गया उसके बारे में हो गया है, एंड ये गाइस जैसे आपकी बेस्ट सेलिंग बुक्स वगैरह जो भी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई और देखना चाहते हैं, यानी कि सब कुछ जो अवेलेबल है वो देखना चाहते हैं, तो वैसे देख सकता है। इसके अलावा गाइस सर्च में भी ऑप्शन है। मान लीजिए गाइस मुझे जो है ये वाली बुक चाहिए, द थर्मल मिरर, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा, ठीक है। होम पे आता हूँ एंड देन यू कैन सर्च दिस वन। तो ये एक अच्छा ऑप्शन जो है आपके पास ऑलरेडी रहता है, तो ये गाइस देखिए ये आपके पास आ गया है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से सीधा बाई कर सकते हो, ठीक है, ऐड टू कार्ट करके, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप कर सकते हो काफ़ी ईजी है, ठीक है। बाकी कुछ करने का है नहीं, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट का सेक्शन जो है मैंने इतने बार आपको बताया किस तरीके से अपडेट करना है, तो इस हिसाब से आप जो है अपडेट कर दीजिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से जो है बुक स्टोर जो है सेटअप कर सकते हो। एंड इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग की वॉच माई वीडियोज। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे नीचे लाइक का बटन है, इसको आपको लाइक करना है अभी की अभी। एंड गाइज कुछ भी क्यूरीज है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो नीचे यहाँ पे कमेंट बॉक्स जो है यहाँ पे आपको कमेंट करना है, और गाइज मैं उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि आपको जो है क्या करना है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। और इसके अलावा गाइज कुछ भी आपकी अदर क्यूरीज है तो कमेंट कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो मैं किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर या किसी पर्टिकुलर टाइप की वेबसाइट बनाऊं, तो गाइज इसके लिए नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि उसी टाइप की वेबसाइट गाइज जो मैं वर्डप्रेस में जो है आपको बना के बता दूंगा। तो गाइज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट खाली है, इसीलिए यहाँ पे कमेंट करिए। एंड गाइज अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी पसंद आ रही है तो गाइज यहाँ पे देखिए नीचे सब्सक्राइबर का बटन है, इसको सब्सक्राइब करो। और गाइज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है, तो गाइज ऐसे में जब भी मेरी वीडियो या निशिता की वीडियो इस चैनल के ऊपर आएगी तो आपको उसकी इंस्टेंटली अपडेट मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।